गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय पीस ऑफ गार्डनिंग चैनल। आज मैं जेट प्लांट कैसे तेजी से ग्रो होता है वो बताऊंगी और जेट प्लांट को कटिंग से कैसे लगा जाता है मल्टीप्लाई करते हुए वो भी दिखाऊंगी। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। जेट प्लांट को लकी प्लांट बोलते हैं। जेट प्लांट एक सुख शांति का प्लांट बोलते हैं बोल के माना जाता है। जेट प्लांट होने से मनी का कमी नहीं होते है, ये भी लोग सोचते हैं। अगर गाइस आप भी ऐसा सोचते हैं तो जेट प्लांट जरूर लगाइए, लेकिन अभी आप बिल्कुल भी नर्सरी में मत जाइए, क्योंकि कुछ दिन के बाद ये दिन ज़रूर अच्छा हो जाएगा, ये बुरे दिन भी टल जाएगा। तो तब आप जाके नर्सरी में जाके लाके लगा सकते हैं। अगर आपके पास या तो कोई रिलेटिव्स में अगर आपको मिल जाए थोड़ा सा एक स्टेम तो आप तब आप जरूर लगाइए जेट प्लांट। जेट प्लांट एक सैक्युलेंट प्लांट्स है। इसका लीव्स देखिए फ्रेंड कितना फ्लैशी है, ऐसा मोटा मोटा। मैं आपको एक लीव्स तोड़ के दिखाती हूँ, तोड़ने में अच्छा नहीं लगता है, फिर भी मैं तोड़ूँगी। ये देखिए फ्रेंड ऐसा फ्लैशी है, इसके अंदर पानी स्टोर रहते हैं, इसीलिए पानी इसको ज़्यादा नहीं चाहिए। विंटर में 8-10 दिन के बाद देने से भी चल जाता है, और समर में आपको बहुत ज़्यादा गर्मी होने से आप रेगुलरली पानी दीजिए, क्योंकि इसको सनलाइट डायरेक्ट सनलाइट बहुत ही पसंद है। दिन भर आप कड़क धूप में भी रखेंगे फिर भी ये अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। आपका जेट प्लांट को ये देखिए फ्रेंड, ऐसे जब येलो कलर का लीव्स होंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें थोड़ा धूप कम लग रहा है, क्योंकि फ्रेंड काफ़ी दिनों से असम में हमारा इधर धूप बिल्कुल नहीं है, रेगुलरली बारिश हो रहा है, तो इसे धूप कम मिल रहा है, इसीलिए शायद ऐसा पीला पीला हो गया इसका लीव्स। फ्रेंड्स ये एक आउटडोर प्लांट्स बोलने से भी होगा। फर्टिलाइजर मैं बिल्कुल भी इसे नहीं देती हूँ, सीविट एक्स्ट्रा ये मैं मंथली कभी जब मैं इंडोर बाकी प्लांट्स में देती हूँ तब इसे थोड़ा सा इसे भी दिया करती थी, अदरवाइज मैं कोई भी फर्टिलाइजर इसे नहीं देती हूँ। फिर भी देखिए फ्रेंड्स इसका ग्रोथ देखिए, इतना तेजी से ये ग्रो कर रहा है। देखिए फ्रेंड हर एक ब्रांच में न्यू लीव्स, ये देखिए हर एक ब्रांच में न्यू लीव्स ऐसे है और न्यू ब्रांच निकल के आ रहे हैं। तो मैं सोचा क्यों ना आपसे शेयर करूँ इसका तेजी से ग्रो होने का रीज़न आपसे शेयर करूँ। जब मैं नर्सरी से ये लाई थी इसका हेल्थ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि ये लास्ट पीस ही था और मैं अक्टूबर के एंड में लाई थी इसे। बस इतना ही कम दिनों में ये इतना तेज़ी से ग्रो कर रहा है। जब से मैं इसको वो पॉटिंग मिक्स सॉइल दिया तब से ये तेज़ी से ऐसे बढ़ रहे। तो फ्रेंड्स अब मैं बताऊंगी इसका तेज़ी से बढ़ने का रीजन। फ्रेंड्स इसमें मैं बिल्कुल भी गार्डन सॉइल नहीं दिया, वन पार्ट मैं कंस्ट्रक्शन सैंड दिया, वन पार्ट भार्मी कंपोस्ट दिया और वन पार्ट मैं लीव मोल दिया। थोड़ा सा नीम खोली और बोन मिल जरूर मिलाया उसमें उन, और थोड़ा सा फंगिसाइड पाउडर भी मैं मिलाया, ये मिलाना भी चाहिए। लेकिन और एक चीज़ का बारे में मैं बताऊं, ये सीक्रेट है, तो ये है टी। चाय पत्ती, चाय हम जब बनाते हैं फ्रेंड मैं फ्रेश चाय पत्ती बिल्कुल भी मत दीजिए। चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती है उसको धुला के कड़क धूप में अच्छा से सुखाने के बाद मैं इसमें पॉटिंग मिक्स सॉइल में थोड़ा सा मैं चाय पत्ती भी मिलाया था, और शायद एक दो चम्मच थोड़ा सा इसको मैं मिला के दिया था, और मुझे लगता है यही रीजन है इसका तेज़ी से बढ़ने का। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं आपसे ये शेयर किया। और कटिंग देखिए फ्रेंड, मैं इसको ये जो मेरी है ये मैं दिसंबर में ये कटिंग लगाया था, एक ही स्टेम लगाया था, अभी देखिए इसमें से तीन स्टेम लग गया। ये कटिंग मैं कल या परसों में लगाया, उसके बाद मुझे ऐसा लगा क्यों ना मैं ये जेट प्लांट के ऊपर एक वीडियो बना के आपसे शेयर करूं और अपलोड करूं। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसका दिखाती हूं इसका कटिंग कैसे लगाना है, मल्टीप्लाई हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड मैं आपको दिखाती हूं, मैं एक कटिंग लूँगी।
ये देखिए फ्रेंड, ये छोटा सा एक कटिंग लिया मैंने और इसका लीव्स आप ऐसे लीव्स को हटा दीजिएगा। आपका जितना भी छोटा कटिंग होंगे ना फ्रेंड चल जाएगा। ये इसको मैं अभी लगा देती हूँ। ये देखिए मैं थोड़ा सा ऐसे होल कर लूँगी और इसको मैं यूँ ऐसे लगा दिया। जेट प्लांट एक हार्डी प्लांट है फ्रेंड, ये कभी नहीं मरते हैं, कभी भी नहीं। आप जब मर्जी करें आप इसको कटिंग लेके प्रोपेगेशन कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड हो गया। ये देखिए फ्रेंड एक क्यूट सा पॉट में क्यूट सा जेट प्लांट, इसमें देखिए काफ़ी सारे इसमें ब्रांचेस है, आराम से ये सर्वाइव कर जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी जेट प्लांट के ऊपर जितना एक्सपीरियंस था आपसे मैं शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।